गाइस, तो अभी अपने पास आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, जो कि अभी तक का वेस्ट एंड एक्सपेंसिव स्मार्टफोन, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, जिसका कि कैमरा क्वालिटी जो आईफोन 15 प्रो मैक्स को भी टक्कर देता है, और दोनों के कंपेयर में S24 अल्ट्रा जीत जाता है। हाँ, क्या जबरदस्त कैमरा क्वालिटी, और इसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट भी किए गए हैं। और यहाँ पे जो लुक इसका है ना भाई, लुक काफ़ी जबरदस्त है, नेक्स्ट लेवल का प्रीमियम फील होता है। फ्लैगशिप फोन है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या जबरदस्त फील देता है। ये हमारे पास 12GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है, जो कि 1,30,000 रुपया इसका प्राइस है। यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल देख सकते हैं क्या जबरदस्त फील देता है, मतलब प्रीमियम भाई। और ये फोन पूरी तरह से रेक्टेंगल है, और जो इसका पैरेलल जो है ना, वो थोड़ा सा कर्व है। यहाँ पे बैक ग्लास आपको मिल जाता है, और यहाँ जो इसका जो फ्रेम जो है ना, फ्रेम इसका टाइटेनियम है। बाकी कैमरा मॉड्यूल तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे फ्रेम थोड़ा सा मोटा नहीं, वो कर्व है ना, सो मजा आता है। यहाँ पे टाइटेनियम फ्रेम है, जिससे कि लाइटवेट फोन काफी हल्का लगता है। फोन हाथ में लेने के बाद पूरा परफेक्ट, मतलब एक्सपेंसिव लगता है कि हाँ, कोई फोन पकड़े हुए। इधर आपको ऊपर की साइड में काफी सारे सेंसर मिल जाते हैं, और एस पेन यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें कि आप लगा सकते हैं इसके अंदर, और ये एस पेन का यूज आप कर सकते हैं फोन को यूज करने में। यहाँ पे आपको स्पीकर का वो मिल जाता है, यहाँ पे सिम स्लॉट वगैरह, टाइप सी पोर्ट, यूएसबी टाइप सी पोर्ट केबल मिल जाता है चार्जिंग के लिए। बाकी इसका डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया है, और जो ये रेक्टेंगल है ना, कर्व नहीं मिलता है, यहाँ पे रेक्टेंगल मिल जाता है, और फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। थोड़ा सा ये नोक बना हुआ है, लेकिन ऑसम लुक देता है। ये पूरी तरह से AI बेस्ड फोन है, इसमें AI काफी मतलब काम कर रहा है, या फिर वो फोटो हो, या फिर आप किसी भी लैंग्वेज में किसी से भी बात करेंगे, तो उसे अपना लैंग्वेज में ही सुनाई देगा। जैसे कि अगर सपोज इस फोन से अगर आप किसी भी फॉरनर से बात करते हैं हिंदी में, अगर वो इंग्लिश जानता है तो उसको इंग्लिश में ही सुनाई देगा। हाँ, सो काफी सारे AI बेस्ड इसमें है। इसके अलावा अगर इस फोन का डिस्प्ले की बात करें, तो डिस्प्ले यहाँ पे 6.8 इंच का 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और LTPO AMOLED डिस्प्ले है, HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे अगर स्क्रीन रिफ्रेश रेट चेक करा दे तो भाई बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पे काफी सारे टैब ओपन करके मैं देख रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा बस टच करने के बाद स्क्रीन पे तुरंत वर्क कर रहा है ये। हाँ, और स्मूथनेस तो बहुत बढ़िया मिल रहा है, इसके साथ गेम प्ले वगैरह में मजा आएगा। हाँ, यहाँ पे अगर पीक ब्राइटनेस की बात कर ले, 2600 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, जो कि ये विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है भाई। ब्राइट डिस्प्ले है, अगर दिन में या फिर धूप में या फिर कभी भी अगर फोन यूज करेंगे ना, तो ब्राइट डिस्प्ले आपको देखने में बहुत बढ़िया मजा आएगा। हाँ, 2K AMOLED डिस्प्ले जो कि है LTPO, यहाँ पे डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। इसमें HDR कंटेंट वगैरह देखेंगे, वीडियोज फोटो जो भी देखेंगे ना, तो बहुत बढ़िया फील आपको मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब फोटो वीडियो जो भी है HDR, क्या मतलब मजा आ जाता है यार देखने में। हाँ, वैसे भी फोन ऑलरेडी नाम बना हुआ है इसका, S24 अल्ट्रा, नाम सुने ही होंगे। वैसे ये फोन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये फोन जो है ना, थोड़ा सा भी मतलब ये इसे कमांड देते हैं तो तुरंत एक्टिव हो जाता है ना। और यहाँ पे अगर फोन के कुछ सेटिंग्स वगैरह देख लें, तो यहाँ भाई स्क्रीन रिफ्रेश तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और यहाँ पे ये प्रोसेसर की बात कर ले, तो प्रोसेसर भी इसमें जो कि फुली लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन की तरफ से, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर 4nm पे बेस्ड है, जो कि 2 million का अंततु स्कोर किया है ये फोन, 1.9 million का। UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिल जाता है, वहीं LPDDR5X का रैम टाइप सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे VC कूलिंग चिपसेट भी लगा हुआ है, अगर गेम प्ले वगैरह करते हैं तो फोन हीट वगैरह भी जल्दी नहीं होगा। और उससे ही बड़ी बात, फोन अगर ऊपर से 2-3 feet ऊपर से गिर भी जाता है ना, तो जल्दी फूटेगा नहीं, उस पर ग्लास प्रोटेक्शन लगा हुआ है। यहाँ पे 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 45W का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जो कि 15W का चार्जिंग सपोर्ट वायरलेस मिलता है। अब यहाँ पे अगर देख ले इस फोन का कैमरा टेस्ट कर ले, कैमरा क्वालिटी कैसा है, तो भाई कैमरा तो नेक्स्ट लेवल है इसका। आईफोन 15 प्रो मैक्स से भी कंपेयर करेंगे ना, तो इसका क्वालिटी काफी निखर के आता है। हाँ, उसमें थोड़ा डल हो जाता है, लेकिन इसका जो क्वालिटी रहता है, कॉन्ट्रास्ट काफी जबरदस्त होता है, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है, जो रियर कैमरा मेन कैमरा 200MP का मिल जाता है OIS के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पे 50MP का पेरिस्कोप मिल जाता है, जिसके की पेरिस्कोप इसका जो पोर्ट्रेट मोड जो होता है ना, ब्लर काफी मस्त होता है। और 12MP का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। इसके साथ साथ 10MP का टेलीफोटो मिलता है, और टेलीफोटो और पेरिस्कोप मिलाकर डिजिटल जूम होता है ना, वो निखर करके बहुत बढ़िया क्वालिटी, वो बैकग्राउंड को ब्लर काफी जबरदस्त होता है। एज डिटेक्शन वगैरह भी, चलिए कुछ टेस्ट वगैरह कराते हैं, इसका फोटो वगैरह क्लिक करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद कैमरा में यहाँ पे देख सकते हैं क्या मस्त अभी क्वालिटी आ रहा है। एक चीज अगर यहाँ पे गेस करें हम लोग, तो अभी जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो सबसे लास्ट में जो कि थोड़ा ब्लैक से आ रहा है, लेकिन जूम करने के बाद निखर जाता है क्वालिटी। अभी 0.6x पे क्लिक कर लिए, अब यहाँ पे 1x जूमिंग पावर ये देख सकते हैं, और यहाँ पे 2x 3x।
3x पे करने के बाद देख सकते हैं जैसे जैसे जूम हो रहा है ना वैसे वैसे क्वालिटी वहाँ पे थोड़ा लाइटनेस जो है ना ब्राइट थोड़ा सा ज़्यादा होते जा रहा है। और यहाँ पे आप क्लिक कर लिए, अब देख सकते हैं ये क्या मस्त यार कॉन्ट्रास्ट का जबरदस्त होता है इस फोन में। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिख रहा है टेक्स्ट जो है पूरी तरह से ये कॉन्ट्रास्ट हो चुका है और सेचुरेटेड भी ज़्यादा नहीं है, क्लियरिटी जो है ना वो सही है। यहाँ पे दूर कितना डिस्टेंट था और यहाँ पे देख सकते हैं जूम करने के बाद क्या मस्त आ गया क्वालिटी। हाँ मतलब कि पहले कुछ अंधेरा सा था लेकिन जूम करने के बाद वो लाइट उस पर थोड़ा ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया, तो जूमिंग पावर भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे कुछ ये जूम करने के बाद हम लोग जो देख पा रहे हैं, मतलब उसे बयान नहीं कर सकते हैं कैसे क्या आ रहा है। हाँ क्योंकि भाई जो नेचुरल जो दिखता है ना वही चीज़ सेम फोटो लेने के बाद भी, ऐसा नहीं है कि फट रहा है या फिर कुछ और, देख सकते हैं ये नहीं लग रहा है कि जूमिंग जूम करके खींचा हुआ है या फिर इतना दूर होगा, जो क्वालिटी यहाँ पे है वही क्वालिटी जूम करने के बाद भी है हाँ सेम। इसके अलावा अब यहाँ पे देख ले पोर्ट्रेट मोड पे कुछ, तो पोर्ट्रेट में भी सेम वैसे ही है जो कि बैकग्राउंड को ब्लर बहुत बढ़िया, एज डिटेक्शन वगैरह जो है ना वो चीज़ बहुत बढ़िया करता है। जूम करें यहाँ तो यहाँ देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है उसको कैच कर रहा है बाकी बैकग्राउंड को बहुत बढ़िया ब्लर कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि जो ब्लरिंग इफेक्ट जो है उसके ऊपर चढ़ जा रहा है, नहीं बस जितना को डिटेक्ट कर पा रहा है जितना चाहते हैं उतना ही वो कैच कर रहा है। सो अब यहाँ पे फिर तो ओपन करता है कैमरा को, कैमरा को ओपन करके यहाँ पे फिर देख सकते हैं सेम चीज़ वही है, कैमरा में तो काफ़ी सारे फोटो वीडियो पोर्ट्रेट, यहाँ मोर में भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि प्रो का प्रो वीडियो का मिल जाता है। इसके अलावा और भी पोर्ट्रेट वीडियो जो वगैरह सब कुछ, इसके अलावा आप सेल्फी कैमरा देख लेना भाई, तो सेल्फी कैमरा भी बहुत बढ़िया क्वालिटी देता है। यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका एज डिटेक्शन है, जो फेस का जो स्किन टोन है ना वो भी बहुत बढ़िया नेचुरल फोटो आ रहा है। और ये चीज़ एक चीज़ है जैसे और भी फ़ोन में होता है ना कि दाग धब्बे वो चीज़ भी आ जाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आप चाहे तो इसमें AI के थ्रू AI के यूज करके आप चाहे तो फोटो को और भी निखार सकते हैं, किसी भी चीज़ को अगर रिमूव करना चाहे तो उसे भी रिमूव कर सकते हैं। ये पोर्ट्रेट मोड यहाँ देख सकते हैं क्या मस्त बैकग्राउंड को DSLR जैसा फोटो क्लिक कर रहा है, नहीं लग रहा है यहाँ पे कि ये कोई ऐसे ही है, तो नॉर्मल फोटो है, ये रहा पोर्ट्रेट मोड पे। सो बहुत बढ़िया क्वालिटी तो बहुत बढ़िया दे रहा है कैमरा क्वालिटी। वैसे भी अभी तक जितने भी फ़ोन आते हैं वो सारे में अगर सेलेक्ट करना हो बेस्ट कैमरा फ़ोन या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस फ़ोन, तो सैमसंग गैलेक्सी S24 पहला नंबर पे और सेकंड पे iPhone 15 Pro Max। इसके अलावा कोई और है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बाकी इसका डिज़ाइन तो बहुत बढ़िया है भाई, देख सकते हैं जो लुक इसका है ना पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन किया है। और ये कैमरा मॉड्यूल वगैरह भी, इसके अलावा जो इसका जो ये बैक लुक जो ग्लास है ना, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका इसमें आपको फ्रेम जो मिलता है फ्रेम मिलता है टाइटेनियम और बाकी ये ग्लास है, हाँ ऐसा नहीं है कि पूरा बॉडी ही टाइटेनियम है, इसलिए ये फोन थोड़ा हल्का है। और वैसे भी ये अल्ट्रा जो है ना अल्ट्रा जैसा लगता है, मतलब कि थोड़ा एक्सपेंसिव हाथ में लेने के बाद लगता है कि हाँ कोई फोन पकड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसे लुक से देख सकते हैं क्या मजा आता है। ये थोड़ा सा जो टाइटेनियम जो है कर्व है तो वो और ज़्यादा मजा आता है, ऑसम लुक देता है, हाथ में लेने के बाद कॉम्पैक्ट फील भी होता है और थोड़ा सा लुक इसका जो है ना वो बहुत बढ़िया लगता है। तो ये फोन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो बस अभी के लिए इतना ही, अगर वीडियो थोड़ा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। सो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।